नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूँ आपके साथ मिली चौबे। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो केबीसी के 1000 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। अब ऐसे में शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक ऐसी कहानी शेयर की, अपने करियर से जुड़ी एक ऐसी बात बताई जिसको बताने के बाद वो खुद भावुक हो गए। उनका ये शो काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी लोग इस शो को पसंद करते हैं। छोटे पर्दे का ये रियलिटी शो काफ़ी बड़ा माना जाता है और अब इसके 1000 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। इसके होस्ट अमिताभ बच्चन को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ये तो सब जानते हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड के शहंशाह हैं। शहंशाह ने एक ऐसी स्टोरी शेयर की है। क्या है वो स्टोरी, इस रिपोर्ट पे आपको बताते हैं, जिसके बाद शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन खुद भावुक हो गए थे। अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में उनके परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ नजर आई। दरअसल शानदार शुक्रवार केबीसी के 1000 एपिसोड्स पूरे होने का जश्न मनाया गया था। इस खास मौके पर शो में एक बार स्पेशल गेस्ट के रूप में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता और नातिन नव्या नवेली नंदा नजर आई थी। इतना ही नहीं, इस खास मौके पर बिग बी की पत्नी जया बच्चन भी ऑनलाइन शो का हिस्सा बनी थी। इस दौरान बिग बी ने कई दिलचस्प किस्से सुनाए। वहीं शो की इस उपलब्धि को देख अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए। शो के 21 साल पूरे होने पर मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए इस सफर को ऑडियंस के साथ साझा किया। करीब 2 दशक से जारी इस शो ने सफलता कई नए आयाम हासिल किए हैं। वहीं इसे देख अमिताभ बच्चन भावुक होते नजर आए। इतना ही नहीं, बिग बी ने शो के होस्ट बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी बताई। अमिताभ बच्चन ने ये बताया कि आखिर उन्होंने बड़े पर्दे से छोटे पर्दे का रुख कैसे तय किया। अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब वो फिल्मों से टीवी की तरफ रुख मोड़ रहे थे तो लोगों ने उन्हें बताया था कि ये मत करिए, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने आगे बताया कि उनका कहना था कि इससे मेरी छवि पर नुकसान पहुंचेगा। लोग उन्हें मना कर रहे थे कि बड़े पर्दे से छोटे पर्दे का रुख करना आपकी छवि पर बड़ा नुकसान कर सकता है, लेकिन उस समय मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उस समय उनकी भी कुछ मजबूरियां थी, उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इस वजह से उन्हें टीवी का रुख मोड़ना पड़ा। लेकिन पहले ब्रॉडकास्ट के बाद ही जिस तरह का रिएक्शन आना शुरू हुआ, फिर ऐसा लगा कि पूरी दुनिया बदल गई। अमिताभ बच्चन ने उसके बाद कहा, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उनसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, प्रतिदिन कुछ जानने को मिलता है और मैं प्रतिदिन अपने कंटेस्टेंट से सीखता रहता हूँ। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का बुरा दौर चल रहा था जब उन्हें इस करोड़पति इस रियलिटी शो का ऑफर मिला था। अब जब वो रियलिटी शो की तरफ यानी कि छोटे पर्दे की तरफ रुख कर रहे थे तो कई लोग ऐसे आए जिन्होंने उनको सलाह दिया कि आप बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की तरफ रुख ना करें, इससे आपके नाम में खराबी आएगी क्योंकि आप बड़े पर्दे के हीरो हैं। लेकिन उस समय उनकी सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उनका करियर डाउनफॉल हो रहा था, उनके करियर का उस वक्त डाउनफॉल का समय चल रहा था। ऐसे में उनके पास जब ये ऑफ़र आया तब बिग बी ने बिना कुछ सोचे समझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि करोड़पति के होस्ट बनने का ऑफ़र, छोटे पर्दे पर दिखने का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन किसको पता था कि 2000 में शुरू हुआ ये शो अब तक चलेगा और अब तक ये रियलिटी शो हिट रहेगा। लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं इस शो को कि हर साल जब भी इसके नए सीज़न आते हैं ये नंबर 1 पर चला जाता है। तो बिग बी का ये फैसला उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा और उनका करियर इसके बाद से पिक पर भी होने लगा था। तो बिग बी के लिए ये ऑफ़र काफ़ी दिलचस्प साबित हुआ और इसका पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ उसके बाद लोगों का इतना अच्छा रिएक्शन आया कि बिग बी को भी एहसास हुआ कि हाँ, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा डिसीज़न रहा। छोटे पर्दे की तरफ रुख करना उनके लिए ख़राब नहीं हुआ बल्कि बेहद अच्छा माना गया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।